दिल्ली के उपराज्यपाल विनोद कुमार सक्सेना ने दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही अनाधिकृत निर्माणों को अवैध रूप से नियमित करने के लिए एक सब रजिस्ट्रार पर मुकदमा चलाने की सीबीआई को अनुमति दी है। आपको बता दें कि एलजीबी के सक्सेना ने एमसीडी के 6 अधिकारियों को घोर लापरवाही, आधिकारिक पद का दुरुपयोग और अवैध संतुष्टि प्राप्त करने के लिए निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही करोल बाग में कम से कम 50 अनाधिकृत निर्माणों को अवैध रूप से नियमित करने के लिए सीबीआई को एक सब रजिस्ट्रार पर मुकदमा चलाने की भी अनुमति दे दी है। एलजी हाउस के सूत्रों के अनुसार सक्सेना के निर्देशों के बाद एमसीडी आयुक्त ने इंजीनियरिंग और प्रशासनिक विभागों में तैनात 6 अधिकारियों सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर एएस यादव, प्रशासनिक अधिकारी मनीष कुमार, उपलेखा नियंत्रक अंजू भूटानी, जोनल इंस्पेक्टर विजय कुमार, जूनियर इंजीनियर सांख्य मिश्रा और सहायक अभियंता श्रीनिवास को निलंबित कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि यादव को बलसवा में सैनिटरी लैंडफिल साइट में वित्तीय अनियमितताओं के लिए निलंबित कर दिया गया था। मनीष कुमार और विजय कुमार को दक्षिण क्षेत्र में संपत्तियों के उत्परिवर्तन के लिए कागजात के प्रसंस्करण में देरी के लिए निलंबित कर दिया गया था। इस बीच अंजू भूटानी को पेंशन मामले में कुछ अनियमितताओं के लिए निलंबित कर दिया गया था। श्रीनिवास और सांख्य मिश्रा को एक अनाधिकृत इमारत के निर्माण को रोकने में कथित रूप से विफल रहने के लिए निलंबित कर दिया गया था, जिसके कारण हाल ही में बकुली गांव अलीपुर में एक निर्माणाधीन गोदाम ढह गया था, जहां लगभग 5 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।